नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। हम गुजरात इलेक्शन कवरेज के छठे दिन, सातवें दिन आज जामनगर से द्वारकाधीश की तरफ निकले और यहाँ पे हमें ये विंड मिल्स यानी पवन चक्कियाँ दिखी। ये भी एक गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल का नमूना है, शानदार उदाहरण है। 9000 मेगावाट बिजली गुजरात में पवन चक्कियों से है और ये मुझे लगता है कि दूसरा स्थान है शायद इसका देश में। अच्छा, एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे नहीं पता आलोक जी, पर अगर आप देखेंगे तो गुजरात में साइजेबल आपको ये पवन चक्कियां देखने को मिलेगी ज्यादातर। किन किन इलाकों में, जैसे हम जिस इलाके में, इसी में है और कहीं? नहीं, जामनगर में भी है और फिर मेरी जानकारी कि कच्छ में भी थोड़ी बहुत है, पर ज्यादातर यहीं पर है। अच्छा। कोस्टल एरियाज जो है गुजरात के, वहां पर आपको ये कई जगह पर देखने को मिल जाएगी। अभी एक रिपोर्ट देख रहा हूँ तो उसमें ये है कि सेकेंड इन विंड पावर, मतलब 8900 मेगावाट और 6200 मेगावाट का सोलर पावर, तो सेकेंड पोजीशन है गुजरात का। अच्छा, और इसमें एक और बात जोड़ूंगा कि अभी हाल ही में जो मुंद्रा जिला है उसमें, वहाँ अडाड़ी ने जो एक बनाया हुआ है वो उसे बताया, मतलब ये दावा किया गया है कि वो देश का सबसे बड़ा पवन चक्की है और सबसे ज़्यादा बिजली उससे पैदा होगी, तो वो भी गुजरात में ही। वो भी गुजरात में ही है, बिल्कुल। तो और एक गुजरात यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बना है जिसमें क्लाइमेट चेंज पे, खासतौर पे एनर्जी, जो क्लीन एनर्जी है उस पर शोध होगा या पढ़ाई होगी, जो भी है। इलेक्शन की अगर हम बात करें माहौल की, तो अगर हम अहमदाबाद से हमने शुरुआत की जी, और वहाँ से हम गए आपके दफ्तर, आम आदमी पार्टी के दफ्तर, आपको क्या लगा? देखिए आलोक जी, मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंस काफ़ी दिखा रही है। आप उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनके स्टेटमेंट्स देख लीजिए, वो सीधा बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ केजरीवाल जो है वो अपनी सॉफ्ट छवि पेश कर रहे हैं एक तरीके से। वो अपनी किसी भी सभा में जाएंगे तो वो कहेंगे कि बिजली फ्री देंगे, बेरोज़गारों को हम कुछ महीने में कुछ पैसे देंगे। अच्छा, बीजेपी पे डायरेक्ट अटैक कर रही है, मतलब इसका तो यही माना जाए कि वो भी ये चाहती है गुजरात की जनता समझे कि कांग्रेस कहीं नहीं है जी, हम ही हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी के कुछ कुछ लीडर्स ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी बातें भी करते हैं कि हमारी लड़ाई सीधी बीजेपी से ही है। आपको क्या लगा मिथिलेश, आप भी थे, हम लोग गए थे जब आपके दफ्तर में, आपकी रीडिंग क्या थी? ये तो जैसे अभी कह रहे थे कि ये तो ये है कि कॉन्फिडेंट है आम आदमी पार्टी, कॉन्फिडेंट है। और दूसरा ये कि एक महत्वपूर्ण बात ये है ना कि जो भी उनके बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं, चाहे केजरीवाल हों, चाहे पंजाब के सीएम मान हों, वे लोग जो उनका एक मॉडल है, जो दिल्ली का मॉडल है, जो पंजाब का मॉडल है, उसकी बातें कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा हम लोग जब सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में गए थे तो वहाँ छात्रों ने बोला कि हमको जो है गुजरात जैसा एजुकेशन मॉडल चाहिए, दिल्ली जैसा एजुकेशन मॉडल गुजरात में चाहिए। तो एक जो मॉडल की बातें हैं, जब हम लोग ऑटो वालों से बात कर रहे थे तो उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि महंगाई। तो जो इस, जब आपको याद होगा कि फर्स्ट डे से केजरीवाल जब भी यहाँ आ रहे हैं गुजरात में, कहीं भी उनकी जो सभाएं हो रही हैं, फ्री वाले जो वादे हैं उनके, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ को लेकर, तो इसका एक बड़ा इफेक्ट दिख रहा है, खासकर मध्यम वर्ग मतलब जो है, जो एफोर्ड नहीं कर सकता है, जो डेली स्ट्रगल करता है, दिन में कमाता शाम को खाता है, उसके लिए ये तो स्वाभाविक तौर पर एक लोक लुभावन है। लोक लुभावन क्या, उसको सस्टेन करने के लिए लगता है कि, हमने बात की जब कुछ लड़कियों से तो कसांगरा, श्रीमती के एस एन कसांगरा महिला राजकोट की एक महिला कॉलेज थी, नाम तो वहाँ मुझे भी, वहाँ भी लड़कियों ने कुछ कहा कि भाई मोदी भी पसंद है। और लेकिन ओवरऑल जब हम शहरी इलाकों में गए तो एक तरीके से यही लगा, डिसअपॉइंटमेंट भले कुछ लोगों में थी लेकिन था कि विकल्प नहीं है, विकल्प हीनता है, इसलिए कमल पे ही मुहर लगेगा, ऐसा कई लोगों ने बताया। जी हाँ, विकल्प ये भी देखे ना कि विकल्प कौन है उनको, मतलब कई लोगों को तो यही नहीं पता कि बीजेपी का गुजरात में चेहरा कौन है, उनके लिए विकल्प अभी भी नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे मान लीजिए कोई अगर जैसे आपके प्रति है भी थोड़ा सा, तो वोट डालते समय फिर वो आ जाता है ना कि विनेबिलिटी है कि नहीं, मतलब हम वोट डालेंगे वो कहीं बिल्कुल जियान तो नहीं हो जाएगा, बिहार में बोलते मतलब बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, और आज तो आलोक जी जैसे सुबह हम जामनगर में घूम रहे थे तो एक सीनियर सिटीजन थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन करवाने की जरूरत ही क्या है, मोदी को ही सब दे देना चाहिए। हाँ, तो वो चलते हैं ना, मतलब जैसे जैसे हम घूमे, जैसे फिर हम उसे गांधी नगर गए, वहां से गोपाल इटाल कौन लड़ रहा है, गोपाल इटालिया आपकी तरफ से,
गांधीनगर सीट से आम आदमी पार्टी ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया है। जी नहीं, वो एक्चुअली दहगाम सीट से लड़ने वाले थे युवराज सिंह, हाँ। पर फिर उनको विड्रॉ कर लिया गया है। जी हाँ। अच्छा, वहाँ शंकर सिंह वाघेला से मिले। जी हाँ। उनका क्या, माने मोदी के पुराने यार रहे हैं, संघ के समय से गुजरात में सक्रिय रहे हैं, लेकिन इनके इस बार कांग्रेस में गए, फिर आए, फिर अपनी एक छोटी सी पार्टी बना ली, क्या लगा उनसे? हम लोगों ने बात की, एक घंटे रहे वहाँ पर, आपकी क्या रीडिंग है, उनका क्या कोई असर है? देखिए, शंकर सिंह वाघेला फिर से कांग्रेस की जाने में मतलब कांग्रेस ज्वाइन करने की तैयारी में है, और हो सकता है कि शायद हमारी बातचीत लाइव हो तब तक वो चले भी गए हो। अब बीजेपी की बात की जाए और शंकर सिंह वाघेला का उसके ऊपर स्टैंड देखा जाए, तो बीजेपी यहाँ पर देखिए 27 साल से पावर में है, और शंकर सिंह वाघेला 27 साल से बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। पर देखिए, उन्होंने जो भी अलग पार्टी बनाई, मतलब उनकी सरकार थी उस टाइम को अगर हम माइनस कर दे तो फिर वो कुछ खास असर दिखा नहीं पाए हैं। कांग्रेस छोड़ी और फिर 2017 में भी उन्होंने कुछ करने के प्रयास किए थे, पर उसे भी रिस्पांस नहीं मिला था, और उन्होंने जो मोर्चा खड़ा किया था उसके कैंडिडेट्स हार्डली मतलब 3 डिजिट में भी वोट्स नहीं पा पाए थे, और हाँ। और लगभग सभी की डिपॉजिट गई थी। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग वहाँ से निकले थे अहमदाबाद से वीरमगाम। जी, वीरमगाम हार्दिक पटेल, मतलब फायर ब्रांड नेता, और जिसकी इतनी चर्चा होती है, उसने कुछ दिन तो ऐसे माहौल बनाया जैसे जिस पार्टी में जाएगा उसी की लहर हो जाएगी। जी हाँ। मिथिलेश भी हमारे साथ थे वहाँ, आपने बहुत घुस के अंदर गलियों में बात की, लोग क्या बता रहे थे? एक तो सब कह रहे थे कि अंदर जाके देखिए, पानी में पैर जब जाएगा आपका सीवर में तो पता चलेगा। लोगों ने ये तो बताया कि वीरमगाम का जो वीरमगाम विधानसभा क्षेत्र है वहाँ विकास नहीं हुआ है, लेकिन इसकी एक वजह लोगों ने बताई, लोगों ने कहा कि यहाँ 2 बार जो है विधायक कांग्रेस के हैं, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है इसलिए विधायक काम नहीं करा पा रहे हैं, तो जनता अब बदलाव चाहती है। बिल्कुल। उस बदलाव के रूप में वो आपको चुनेगी या बीजेपी को चुनती है, बीजेपी के जिक्के कद्दावर का युवा चेहरा, फायर ब्रांड चेहरा बीजेपी वहाँ से लेकर आई है। एक फायदा हमको जो लग रहा है इसमें, आप बताएंगे, उनका घर वहीं पे था, मतलब हम लोग गए उनके घर पे भी। हार्दिक पटेल का होम टाउन है वीरमगाम। कई लोगों ने वहाँ पे बताया फल सब्जी बेचने वालों ने, वो तो हमारे साथ खेलता कूदता रहा है, तो उसका भी असर मुझे लगता है कि होगा, होना चाहिए। पर देखिए, वीरमगाम का अगर हम हिस्ट्री देखें तो 2017 में कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ी थी, ठीक है, और वो हार गई थी। अच्छा, ठीक है। और इस बार भी अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो वीरमगाम की जो, मतलब वीरमगाम के वोटर्स हैं उनका रिस्पांस मिक्स्ड था। ऐसा नहीं है कि सभी लोग हार्दिक की तारीफ कर रहे थे या फिर सभी लोग हार्दिक के खिलाफ बोल रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे कि भाई वीरमगाम का है हार्दिक तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उसे वोट दे देंगे, उसे जिता देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ फायदा होगा, यंग है, काम कर सकता है। फिर कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि हार्दिक यहाँ का है पर उसने कभी यहाँ की समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दिया है। हार्दिक ने खुद हमारे साथ बातचीत में कहा कि यहाँ पर सत्ता पक्ष का विधायक न होने की वजह से यहाँ पर विकास के कार्य नहीं हुए हैं। बिल्कुल। तो मैंने उनको पूछा कि क्या सत्ता पक्ष का विधायक नहीं था इसीलिए काम नहीं हुआ है? तो फिर तुरंत वो ठंडे हो गए, उन्होंने कहा कि अब वो तो विधायक को देखना है। मतलब ये एक बात भी है जो लोग, मतलब हो सकता है कि वोट देते वक्त शायद ये ध्यान में रखेगी, ये फैक्टर रहेगा। ये लोगों ने बताया कि ये फैक्टर है कि विधायक यहाँ जो था जिस पार्टी का था उस पार्टी की सरकार नहीं थी इसलिए हमारे यहाँ काम नहीं हो पाया। और एक बात ये भी है ना कि हार्दिक पटेल कई सालों से चर्चा में हैं, यहाँ ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चर्चा हो रही है। जैसे जब हम मोदी के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोदी देश के पीएम हैं, जब भी उनकी बात होती है तो गुजरात की बात होती है। तो हार्दिक पटेल बहुत कम एज के हैं, कम उम्र है उनकी, और गुजरात से बाहर भी लोग उनको जानते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि मतलब गुजरात में इस समय कोई और ऐसा नेता हो जो जिसकी छवि बाहर भी हो, तो वहाँ के लोग ये भी ध्यान में रखेंगे कि हमारे बीच हमारा प्रत्याशी ऐसा है जो जिसे लोग जानते हैं। और एक ये भी है कि 2 बार से चूंकि बीजेपी वहाँ नहीं रही है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वे जीते हैं, तो एक बदलाव के तौर पे भी हो सकता है कि हार्दिक। अच्छा, गांधीनगर जा रहे थे तो रास्ते में घाट लोरिया उधर ही। जी हाँ, घाट लोरिया सीट पटेल जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर पाटीदार वोटर्स की संख्या काफी है। शायद इसीलिए आपने भी विजय पटेल को उतारा, कोई पाटीदार ही होगा आपने वहाँ पर? नहीं, घाटलोड़िया बैठक पर आम
जी कांग्रेस ने अमी याग्निक को टिकट दी है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अमी याग्निक जो है वो अभी राज्यसभा की सांसद है और मतलब वो काफी अच्छा बोल भी लेती है, और दूसरी तरफ भूपेंद्र पटेल उतना पब्लिक में नहीं बोलते हैं, मतलब नेशनल मीडिया की बात हो या जो भी कुछ हो। अच्छा, फिर एक इंटरेस्टिंग फेज जो मतलब गुजरात के लिए बहुत दुखदाई, जो 31 अक्टूबर की घटना, 30 अक्टूबर हाँ। मोरबी में हम लोग मोरबी पहुंचे यहाँ से, हाँ। और वहाँ गए जहाँ पे वो दुखद हादसा हुआ, फिर हम लोगों ने लोगों से बातचीत भी की, मिथिलेश भी साथ थे। एक चीज़ जो वहाँ लगा कि वो जो हादसा है वो लोगों के दिलो दिमाग में, मन मस्तिष्क में तैर तो जरूर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पर देखिए आलोक जी ऐसा है कि मोरबी में बीजेपी ने काफ़ी स्मार्ट गेम खेला, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है, क्योंकि ये हादसा जब हुआ तब वहाँ के एक भूतपूर्व विधायक के एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो नदी में कूद कर लोग कांति अमरोतिया मतलब वो बचा रहे कि मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं, तो देखिए वो वीडियो वायरल हुआ, उसके काफ़ी चर्चे भी हुए, और जिस कांति अमरोतिया को 2017 में हार मिली थी, कांग्रेस के विधायक ने जिनको हराया था, और फिर वो बीजेपी में आ जाते हैं, उनको मंत्री भी बनाया जाता है, पर उनका टिकट इस बार कट गया है। स्मार्ट मूव है ये बहुत स्मार्ट मूव है कि आप देखिए कि एक मौजूदा विधायक जो पार्टी छोड़ के आपके साथ आता है और आप उसे मंत्री बनाते हैं लेकिन टिकट नहीं देते हैं, क्यों? बस इसलिए कि एक जो वायरल जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, इसलिए कांति लाल को टिकट दिया गया। और जैसे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, अगर उनकी बातचीत के आधार पर हम बताएं तो लोगों ने यही कहा कि ठीक है हादसा तो हो गया लेकिन कांति लाल आए हैं तो अच्छे नेता हैं, और लोगों ने यह भी कहा कि मुआवजा मिला था। इसका एक एग्जांपल हम लोगों ने यूपी के चुनाव में देखा था, यूपी चुनाव जो ठीक पहले लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, और फिर ऐसा हुआ कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी हार जाएगी लेकिन बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, उसमें तो रातों रात राकेश टिकैत ने ही कुछ कर दिया था कि भाई ये तो पर्दे के पीछे की बात है, हो गया कि नहीं सब कुछ हो गया सुलह, हाँ। तो लेकिन यहाँ पे वो थी, और वांकानेर लिम्बरी आसपास के शायद विधानसभा इलाके हैं जी, वहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही 2017 में, इस बार क्या लग बिल्कुल रहा है? जैसे वांकानेर से साथ पीर ज्यादा पीर ज्यादा लगातार जीतते हैं जी, हाँ, इस बार भी उन्हीं को टिकट मिला है। अब देखिए एक तरफ तो आम आदमी पार्टी ऐसे दावे कर रही है कि सौराष्ट्र में वो स्ट्रांग बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो प्रचार में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। फिलहाल अभी हम जब बात कर रहे हैं, भगवत मान यहाँ पर 5 दिन के लिए प्रचार करने वाले हैं, और सेकेंड थिंग मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज हमने जैसे जामनगर में देखा कि कांग्रेस अपना जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, जो एरियाज है वहाँ पर जाकर प्रचार कर रही है। हम आज देख रहे थे कि जैसे बीजेपी के कैंडिडेट जो थे जामनगर नॉर्थ में रीवाबा, उनका भी ऑफिस बन रहा है, मतलब वही सब तामझाम है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कैंडिडेट ने जो भी हम कुछ मिडिल क्लास एरिया, फिर लोअर मिडिल क्लास एरिया जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर जाकर डोर टू डोर प्रचार शुरू भी कर दिया है। तो कांग्रेस अपनी ये जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उस पर काफ़ी मुश्ताक है। अब देखना ये रहता है कि आम आदमी पार्टी के लोक लुभावन जो वचन है वो इस वोट बैंक को तोड़ते हैं या फिर कांग्रेस के साथ ही ये लोग रहते हैं। एक चीज़ तो मुझे भी लगा कि जो कांग्रेस का वोटर है या फिर आप सपोर्टर है, वो आप जब उससे 5-10 मिनट बात करेंगे तब जाके वो आता जी, है बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो शुरू में जैसे वो भी बोल देगा यहाँ। एक ट्रेंड मैंने देखा गुजरात में, पता नहीं वो क्या है, वही भाजपा आएगी फिर हो, जब आप बात करने लगेंगे तो खुलेगा वो। अच्छा जी हाँ, तो बिल्कुल ये भी है। तो मुझे लगता है कि जो एक लोअर इनकम ग्रुप है गुजरात में भी, हर स्टेट में होता है, हो सकता है गाँव में कुछ पैटर्न अलग हो, शहर में कुछ पैटर्न अलग हो, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, देखिए रूरल एरियाज में तो बिल्कुल ये देखने को आपको मिलेगा ही। जैसे राजकोट के हमारे एक साथी पत्रकार से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि सौराष्ट्र एकमात्र ऐसा रीजन है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है। हाँ, रीजन भी इसमें इम्पोर्टेंट है। हम राजकोट में गए, राजकोट वेस्ट की सीट काफ़ी चर्चित सीट, नरेंद्र मोदी वहाँ से पहली बार MLA बने, अभी इस बार नए उम्मीदवार हैं, नई यंग डिप्टी मेयर दर्शिता शाह, उनको टिकट मिला। और हम ईस्ट में भी गए और बीच में आजी नदी थी तो वो कैसे मतलब समृद्धि को भी एक तरीके से बांट रही थी। तो क्या लगा आपको राजकोट की 2-3 सीटों पे हम गए, राजकोट में कैसा लगा? जैसे कि हम लोग ईस्ट में गए थे तो ईस्ट में जो आपके आप में थे अभी तक शामिल थे, उन्होंने पार्टी बदली और फिर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में आ गए, इंद्रनील राजगुरु। तो
आपने तो वहाँ एक थोड़ा सा गेम खेला है और आप बीजेपी कांग्रेस ने थोड़ा सा वहाँ पे वापसी की है, क्योंकि ईस्ट से इंद्रनील राजगुरु पहले भी विधायक रहे थे, पिछली बार वेस्ट से लड़े थे और हार गए थे। तो एक तो वहाँ, और जैसे आप बता रहे हैं कि जब हमने नदी पार की तो यहाँ हमने कई जगह देखा, नवरंग जी ने भी बताया कि यहाँ पे जो है दो 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 तरह के लोग रहते हैं नदी, मतलब एक साइड जो होता है थोड़े से अमीर लोग होते हैं और जो दूसरा साइड होता है थोड़ा गरीब। ये जरा बताइए, आपने कहा अहमदाबाद में भी साबरमती यही काम करती है। जी देखिए, ऐसा है कि गुजरात के शहरों में मैंने देखा है, लाइक अहमदाबाद में आप जैसे ही साबरमती नदी क्रॉस करेंगे आपको लगेगा कि जैसे कि आप वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में आपको सब पूरा तामझाम दिखेगा, है ना, आपको लगेगा कि विकास जैसे यहीं पर हुआ है। जैसे ही आप नदी क्रॉस करेंगे तो पूरे शहर का जैसे कलर ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो राजकोट में तो हम लोग फंस गए थे। जी बिल्कुल, राजकोट में तो हम लोग रेलवे लाइन किनारे झुग्गियां दिखने लगी, गलियां थी, हाँ वो लग रहा था कहाँ आ गए। फिर एक समय पर तो हमें लगा कि ये राजकोट ही है, कि हम लोग कहाँ पर आ गए कुछ पता नहीं। और उस ठेले वाले ने बताया कि एक रास्ता शायद हो सकता है हाईवे ना हो कि कहाँ कौन से था विरम गांव की तरफ जाता है जहाँ हम लोग खड़े थे, हाईवे हाँ, और हाँ। आगे जाएंगे तो आपकी आप देख नहीं पाएंगे, ऐसी दुर्दशा है। हालांकि हम लोग नहीं जा पाए तो नहीं कह सकते, लेकिन वो ऐसा बता रहा था जी। और फिर हम राजकोट से उससे पहले सुरेंद्र नगर भी गए, मिनी रन ऑफ जी, मतलब कि देखिए हम अहमदाबाद से निकले, फिर वहाँ से विरम गांव गए, विरम गांव से हम सुरेंद्र नगर की तरफ गए, जहाँ पर हमने जो अगरिया थे उनसे बात की। अगरिया होते क्या है पहले ये तो बताइए। अगरिया मतलब ये होते हैं कि हम जहाँ पर थे, खारा घोड़ा गांव है उस जगह का नाम। अब वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो वहाँ के लोकल लोग बता रहे थे कि भाई ये समंदर के पानी से भी ज्यादा खारा होता है, वहाँ नमक निकालने का कारोबार होता है, ये बता दूं तब आप समझे। जी हाँ, तो वो लोग पानी बाहर निकालते हैं, उसे जमीन पर फैला देते हैं और धीरे धीरे उसकी लेयर बनती रहती है और उससे नमक बनता है, TDS बढ़ाते जाते हैं। जी बिल्कुल, 25 से 28,000 तक जब TDS होता है तब तक नमक निकलता है। जी हाँ, तब वो नमक उसमें से निकलना शुरू होता है। दो तरह से बनता है नमक, जिस जो भारत में जो नमक की अगर बात करेंगे, एक तो ये कि एक सी सॉल्ट होता है जो समुद्र के पानी से बनता है, एक ये कि जो नेचुरल पानी जो नीचे है जमीन के उससे बनता है। और ये गुजरात का कच्छ इलाका जो है और जहाँ हम लोग गए थे खारा घोड़ा, ये कुछ साउथ में कुछ ऐसे रीजन है जहाँ जमीन के पानी नमक बनाया। हम लोगों ने एक अगरिया के यहाँ शाम भी थोड़ी देर रहे और उनकी हालत देखी। ये बताते चलूं कि उन पानी की इतनी किल्लत है कि वो महीने में एक बार नहाते हैं। जी ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आप सोचिए कि इतनी गर्मी होती है वहाँ पर कि हम आधा घंटा वहाँ पर धूप में खड़े नहीं रह सकते। अब वो लोग वहीं पर रहते हैं इतनी गर्मी में, वो लोग कितने दिन वहाँ, कितने दिन गाँव में। देखिए 4 महीने जो मानसून होता है तब आप नमक की खेती नहीं कर सकते, तब वो गांव में शिफ्ट हो जाते हैं, बाकी के 8 महीने वो यहाँ पर रहते हैं अपनी एक झोपड़ी से बनाकर। पर सबसे बड़ी बात ये कि इतनी गर्मी में काम करते हैं फिर भी उनको 1 महीने तक नहाने को नहीं मिलता है। सबसे खुश जो सुखद सुंदर तस्वीर ये, इतना कष्ट होता है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वो नमक के कारण कई सारी बीमारियाँ सर जाती हैं, बल्कि अंतिम संस्कार में वो हिस्सा जो है वो जलता नहीं है, नमक डालकर उसको गलाते हैं, इसके बावजूद उनके चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती है, मुस्कान और आतिथ्य भाव, जिस तरीके से उन्होंने हमें ब्लैक टी पिलाई, शायद वैसी ब्लैक टी आमतौर पर मिलती नहीं, आज तक नहीं। आतिथ्य भाव तो था ही, और लोग कितने खुश थे, भले जो अपने उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, अपना दुख दर्द बताया, लेकिन फिर भी उनके चेहरे मुस्कान थी। और एक चीज वहाँ हम लोगों ने और देखा कि गौरैया बहुत दिखी, आमतौर पर गौरैया दिखती नहीं है, गौरैयाओं को झुंड था वहाँ और उनके लिए उन्होंने दाना रखा नहीं था। यही नहीं, वो पता चला अंबू पटेल जो हमारे साथ गए थे, उन्होंने बताया कि ये खुद खाना खाएं या ना खाएं, पहले चिड़ियों को खिलाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो हमने राजस्थान में देखा, जो कौन सी कम्युनिटी है जो सलमान खान के खिलाफ मिले, बिश्नोई, तो उसी तरीके का एक प्रेम दिखा कि भाई हम इस वीरानगी में रहते हैं, हमारा साथी कोई है, चिड़िया है, तो चलो उससे वो करें। अच्छा फिर हम वहाँ से निकले और हम लोग पहुँचे हैं जामनगर, नहीं राजकोट से। हाँ राजकोट की चर्चा हम लोग कर लिए, राजकोट से निकले जामनगर आए रास्ते। अच्छा एक चीज़ और है कि रास्ते में जो यहाँ पे लाइन होटल का कॉन्सेप्ट उत्तर प्रदेश या बिहार में है, उससे अलग खाने का कल्चर चूंकि बहुत अच्छा है, तो रास्ते में लाइन होटल भी लगता है जैसे आलीशान कुछ होटल बनाया गया हो। तो क्या इस कल्चर के बारे में आप बताइए, आप तो इस कल्चर को बहुत जीते हैं।
मतलब देखिए गुजरात में तो ऐसा है कि लोग सैटरडे संडे जैसे घर खाते ही नहीं है, और बाकी के दिनों में भी जाएंगे आप तो जो भी कोई पॉपुलर रेस्टोरेंट है वहाँ पर आपको वेटिंग मिलेगा ही मिलेगा। तो बिल्कुल कई बार हमारे साथी बाहर से आते हैं, जैसे आप दिल्ली से आए तो उनको ये सब देखकर सरप्राइजिंग लगता है कि अरे लोग खाने के लिए इतनी लाइन में कैसे बैठ सकते हैं, पर गुजरात में वो काफी नॉर्मल है। सबसे बड़ा सरप्राइज चाय अच्छी मिलती है, लेकिन बनती बड़े बर्तन में है लेकिन मिलती बहुत छोटे से कप में है। पर देखिए आप, आपके यहाँ की दो ग्लास चाय पीजिए वो यहाँ के एक के बराबर है। ये बात तो है, मानता हूँ। क्वालिटी क्वालिटी बढ़िया। और खाने की बात कर रहे थे हम लोग क्या, तो आप 200-400 आप तो खाए थे वो कोई 36 या 100 वाला वो, हाँ, वो मतलब वो ऐसे मैं रैंडम घूम रहा था और 380 रुपए की था, मैं गया तो मुझे लगा कि थाली सिस्टम जैसे हम लोग क्या होता है, लेके गया तो अंदर जब घुसा तो बूफे लगा हुआ था, मात्र 380 रुपए था उसका रेट, और जो हम लोग अंदर घुसे तो बूफे लगा हुआ था और इतने खाने रखे थे तो मुझे लगा कि एक ही खाना होगा। ठीक है, तो पहले तो मैंने निकाल लिया, फिर जो मैंने पूछा कि ये खाना, तो बोला कि ये सब आप ही के लिए है। तो इतना आइटम था कि एक आदमी के लिए एक दिन में खाना मुश्किल था। बाद मैंने उसे कहा कि ये खाने के लिए कम से कम 3 दिन का मौका दीजिए। ये बताओ ना, 101 आइटम, 101 आइटम, 380 रुपए में क्या चाहिए? कम से कम 10 प्रकार के तो मीठा होगा, 10 प्रकार का आइसक्रीम होगा, इसलिए मैंने उसे कहा कि ये खाने के लिए 2-3 दिन का मौका दिया जाए। एक दिन में, हाँ, एक दिन में नहीं तो हो पाएगा। फिर राजकोट सौराष्ट्र की राजधानी भी कही जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा सिटी भी है और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर है, सबसे बड़ी हॉस्पिटल ये वो सब। और वहाँ भी मिश्रित था, ऐसा नहीं था कि कोई एक तरफा कोई चल रहा हो कि बीजेपी जीत रही है। जी हाँ, जैसे जैसे हमने रिक्शा वालों के साथ बात की तो वो तो काफी गुस्से में थे, उनका तो ये कहना था कि विकास मतलब किस विकास की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो सब खर्चा निकाल कर मुश्किल के मतलब खिचड़ी जितने पैसे बचते हैं। उन्होंने बताई कैसे कि जैसे एक साल में जो CNG के दाम डबल हुए, भाड़ा वही है, ऑटो वालों ने, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरी जो कमाई है वो घट गई क्योंकि हाँ, लागत बढ़ गई और महंगाई बढ़ गई, तो मतलब डबल मार उसके मतलब जो महंगाई बढ़ी जो दाम बढ़ा उसके औसत में उनकी आय नहीं बढ़ी, तो इसलिए एक डबल मार पड़ रहा है। एक तरफ तो खाने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, गैस महंगा हो रहा है, लेकिन जो उनकी उनका जो ऑटो किराया है जो उन्होंने शिकायत की कि वो उसका वही बढ़ा तो है लेकिन वो इतना नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। और फिर हम राजकोट से आए जामनगर। जामनगर मतलब वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल हब रिलायंस का, जिसको अभी हमने रास्ते से इसी हाईवे को जरा दिखा दें, हमारा साथी है विजय वीडियो जर्नलिस्ट, इसने हम लोगों ने देखा कि इसी रास्ते पे वो पड़ता है, उसके ठीक सामने रिलायंस पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल हब के सामने है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल का एक, मुझे लगता है PSU, हाँ वो PSU होगा ना। जी हाँ, पब्लिक सेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल। और उस तरक्की से जब हम आगे बढ़ रहे थे वो उस पेट्रोकेमिकल हब से, तब हमको ये दिखा पवन चक्की इसमें क्या क्या है, किस कंपनी का है, पावरिका लिखा हुआ है। और यह सड़क की इस हाईवे के दोनों तरफ है, मतलब जो द्वारका जाती है हाईवे जामनगर से दोनों तरफ। और जामनगर में जब हम गए तो बहुत आश्चर्य हुआ जब सुबह हम, वो कौन सा लेक है जहाँ गए, लाखोटा लेक जो जामनगर के राजा ने बनवाया था, और लोगों ने वहाँ तारीफ इतनी की, गाने चल रहे थे। और जो ट्रैक है 2 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर का, उसे जर्मनी से इंपोर्ट किया गया है 6 करोड़ रुपए। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ूँ, मैंने उस समय ही बताया था कि ऐसा जो हम पार्क जो हम देखे ये राजकोट में है, ऐसा हमारे यूपी में राजधानी में है, लखनऊ में, और कहीं तो मुझे ध्यान नहीं है, बनारस के पास मेरा घर है, और ऐसा ट्रैक और कहीं तो मैंने यूपी में नहीं देखा। जबकि जामनगर 5th लार्जेस्ट सिटी है गुजरात का, ऐसा नहीं है कि कैपिटल, ऐसा नहीं कि हम अहमदाबाद में थे या गांधीनगर में थे, लेकिन जरा सुंदर बना है। और जो रनिंग ट्रैक था, जैसे मैं जो हमारे लखनऊ में जरेश्वर मिश्रा पार्क है, रनिंग ट्रैक वहाँ भी है लेकिन उसकी दूरी इतनी नहीं है, और इतना सुंदर बना था। और बड़ी एक अच्छी बात ये रही कि सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं तो वो फ्री होता है। हाँ, तो पटना में भी स्वर्ण जयंती पार्क, लेकिन क्या ही कहूँ। हाँ नवरंग जी, फिर वहाँ लोगों से आपने बात की क्या? जी जी, हमने जब लाखोटा लेक पर लोगों से बातें की तो देखिए, अब जामनगर तो हम शहरी इलाके में थे, बिल्कुल, और यहाँ पर BJP वैसे भी काफ़ी सेफ मानी जाती है, तो कुछ लोगों ने तो ये रिएक्शन दिया कि भाई इलेक्शन करवाने की ज़रूरत क्या है। कुछ लोगों ने ये कहा कि पहले गुजरात में क्या था, अब क्या, तो मुझे उनसे कहना पड़ा कि देखिए भाई, जब मतलब BJP 27 साल से सत्ता में और मैं 36 साल का हूँ, तो मतलब
जब मैं छोटा था तब क्या था वो मुझे याद नहीं है, बड़े में तो यही दिख रहा हूँ जी, बड़े होते मतलब जिसे आप विकास विकास जो भी कह रहे हैं मुझे तो यही दिख रहा है। और मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक विकास एक जगह पर ही हुआ है, मतलब आप गुजरात में देखेंगे तो आपको स्कैटर कहीं कहीं लगेगा कि अच्छा ये भी है वो भी है, तो थोड़ा आपको शायद सरप्राइजिंग लगे कि कंपेयर टू यूपी बिहार या किसी भी स्टेट से आप वो अगर... हिस्टोरिकल भी है, ऐसा हाँ, नहीं है कि गुजरात आज डेवलप हुआ है, गुजरात शुरू से जी। अब जैसे कि एक वहां पर बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुछ भी किया ही नहीं, तो मैंने उनसे पूछा कि अरे पर कांग्रेस तो 27 साल से है ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप तो अभी छोटे हो, पहले भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जैसे कांग्रेस वाले ऐसे बातें करते हैं कि जो लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वो खुद कांग्रेस की बनाई हुई स्कूल में और मतलब स्कूल में पढ़े थे और हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, तब मतलब वो थोड़े कूल डाउन हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ वैसे तो मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, पर देखो ऐसा है कि कांग्रेस को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया। एस्पिरेशंस होते हैं लोगों के, बढ़ते रहते हैं पॉलिटिकल साइंस में भी, जैसे नीतीश कुमार के साथ ठीक यही हो रहा है बिहार में। लोग पूछ रही है, जनता पूछ रही है कि आपने सड़कें बना दी, बिजली ला दी, अब क्या जी, अब इम्प्लॉयमेंट चाहिए भाई दो, महंगाई है उसको घटाओ। और यही बात जैसे कि जामनगर में हम लोग कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो दो लड़के हमारे पास सामने से चल कर आए, उन्होंने कहा कि हमें भी बात करनी है। मैंने कहा हाँ जी बोलिए, हम तो बात करने ही आए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए विकास विकास की बात होती है वो सब तो ठीक है, पर हमें एम्प्लॉयमेंट ठीक से नहीं मिल रहा है। तो वहीं पर एक कारोबारी बैठे थे, तो मैंने कहा कि अभी ये कह रहे थे कि हमें अच्छे कारीगर नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं कारीगर की बात ठीक है, पर आप गुजरात में जैसे गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स होती है तो वो तो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। उन्होंने कहा कि पेपर लीक हो जाता है, हम लोग इतनी मेहनत करते रहते हैं, और एक जो मतलब क्लास 3 टाइप की पोजीशन होती है उसकी रिक्रूटमेंट भी सालों तक अटकी हुई रहती है। तो मैंने कहा फिर आपका क्या मूड है इस बार, तो वो लोग केजरीवाल से एस्पायर थे। हाँ 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 मैंने कहा क्यों कांग्रेस क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने सीधी बात कही कि कांग्रेस विपक्ष में फिर भी उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया, मतलब ठीक से विधानसभा में आवाज भी नहीं उठाई, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। आपने किया जैसे हम लोग आपके जो नेता थे वहाँ अहमदाबाद में हम लोग मिले थे जी, युवराज सिंह, तो अभी हाल ही पेपर लीक वाले कांड में उनका काफी नाम आया था, मतलब कांड मतलब ये कि उसमें शामिल नहीं थे, उन्होंने उस लीक के खिलाफ आवाज उठाई और बहुत सैकड़ों युवाओं को लेकर सड़कों पे आए, उसके बाद सरकार ने उनके ऊपर FIR भी की। तो एक ऐसा भी चेहरा है, यूथ आइकॉन है जो उनके लिए हाँ जो इस मुद्दे पे बात कर रहा है। तो ओवरऑल जामनगर में हमने उस सीट पर भी गए जहां से रविंद्र जडेजा की पत्नी राविबा जडेजा रिबाबा जडेजा लड़ रही हैं, और उनकी ननद कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, नैनाबा जडेजा, वो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस कैंडिडेट विपेंद्र जी हाँ उनका नाम क्या था विपेंद्र सिंह जाडेजा उनके लिए प्रचार कर रही हैं। दोनों के इंटरव्यू हमने किए हैं, हम NBT देखते रहेंगे, आप नवारा टाइम्स के प्लेटफॉर्म्स पे आपको कल दिखाई देंगे। ओवरऑल समअप करते हुए हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि लाख मीडिया हाँ कि सौराष्ट्र में भाजपा अगर 10 से बात करते हैं तो 6 लोग जरूर भाजपा कहती है, लेकिन ट्विस्ट है क्योंकि लोगों के जेहन में ऐसा नहीं है कि केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल ने एंट्री बना ली है सौराष्ट्र के रीजन में, जहां तक हम लोग गए हैं उससे तो मुझे यही कंक्लूड करने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए कई लोग हमें मिले कि भाई वो केजरीवाल से आकर्षित, मतलब खासकर तो यंगस्टर्स जिनको अभी तक गवर्नमेंट जॉब मिलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोग पढ़ रहे हैं उनको पता नहीं कि भाई मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं। और गुजरात में पिछले कुछ सालों से ये हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब का जो क्रेज़ है वो बहुत ही बढ़ रहा है। जैसे मैं मेरी बात करूँ, मैं कॉलेज में तब उतना नहीं था, पर अभी जैसे कि गाँव में आपकी हिंदी में कहते हैं पटवारी है ना पटवारी जी, तो वो मतलब बहुत ही लाइक क्लास 3 से भी नीचे जॉब मानी जाती, तो उसके लिए भी लोग 20-20 लाख फॉर्म्स भरते हैं, ये हालत है। तो इस बीच में मतलब कि जैसे कि आपके युवराज सिंह ने ये मुद्दा उठाया था, तो यूथ आपकी तरफ उस हिसाब से भी देख रहा है कि इन्होंने हमारी आवाज़ उठाई थी और कांग्रेस वो पिक्चर में कहीं नहीं आ रही है। सौराष्ट्र में फाइट इसलिए भी टफ है कि जो लास्ट बार जो यहाँ पे चुनाव हुआ था उसमें जो स्थिति थी बहुत क्लोज फाइट थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, एक जो लूप है उस लूप में कहीं ना कहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिख रही है, तो इसलिए जब लड़ाई 3 पार्टियों के बीच हो गई तो वोट शेयर अब
जाएंगे लोगों के पास तो समीकरण और बदलेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बात और है कि आपकी एंट्री से या उसके वोट प्रतिशत पाने से शायद कांग्रेस को नुकसान हो और भाजपा को ज्यादा बहुमत मिल जाए, ये भी इससे भी इनकार नहीं कर सकते, इसकी संभावना है। देखिए, जो जैसे ये आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए इंद्रनील राजेगुरु, उन्होंने तो ऐसा किया था कि भी एक बार केजरीवाल ने ही उनके सामने बोल दिया था कि अब तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट काट रही है, तो कौन किसके वोट काटता है वो तो शायद मुझे लगता है कि रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। बिल्कुल। चलते चलते ये बताऊं कि हम लोग द्वारकाधीश जा रहे हैं, द्वारका से कहाँ कहाँ जाएंगे नवरंग जी, थोड़ा सा अगले कुछ जी जी द्वारका से हम जाएंगे पोरबंदर, वहाँ से हम जूनागढ़ जाएंगे, और जो अफ्रीका से यहाँ पर माइग्रेट हुए थे सीधी, जिनको कहा जाता है सीधी ट्राइबल, से भी हम मिलने की कोशिश करेंगे, और फिर हमारा प्लान है अमरेली भी जाने का। अमरेली वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कांग्रेस काफ़ी स्ट्रांग है, वहाँ जाकर हम देखेंगे भाई यहाँ पर आम आदमी पार्टी की क्या असर है और अभी बीजेपी किस सिचुएशन में। फिर भावनगर कोशिश करें जी। बिल्कुल, फिर वहाँ से